अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं मेरे आलमदार प्लम्बर उसकी यूट्यूब चैनल। और मैं आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं LWR के बारे में। हर चीज़ का ध्यान रखो, इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगा और आप लोग बहुत कुछ सीखोगे। ये है डोर YT, इसकी साइज़ 3 इंची और 4 इंची आते हैं, ठीक है। मैंने आप लोगों के लिए इस पर लिख के भी रखा है हर चीज़ में, आप लोग इसको देखते जाइएगा। जितना मेरे से होगा मैं कोशिश करूँगा अपनी साइड से, चाहे जब भी देखोगे ना कम से कम एक कमेंट कर लेना मेरे लिए, ताकि मैं शांति से रह पाऊँगा इस चीज़ को लेके कि नहीं मैं अच्छा काम कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। ये है प्लेन YT, याद रखना इन चीज़ों का, ये नॉर्मली है, ठीक है। इसमें पुश टाइप का भी आता है कहीं कहीं, मैं वो भी आप लोगों को ऐड करके दिखाऊंगा। इसमें भी 3 इंची और 4 इंची आता है जो प्लम्बर को ज़्यादातर यूज़ होता है। कोशिश करना प्लेन YT का ही इस्तेमाल करना। ये है पुश टाइप टी होता है जिसमें वॉशर नहीं लगता है। इसमें 6 इंची, 4 इंची, 3 इंची, 2.5 इंची, 2 इंची, 1.5 इंची आता है, ठीक है। इधर लिख के भी रखा है मैंने, कोशिश कर लो एक बार समझने की। देखो इसी मुकाबले मैंने आपको दूसरा टी दिया है प्लेन टी, ये वॉशल वाला टी होता है, ठीक है, नॉर्मल प्लेन टी। इसमें भी 8 इंची, 6 इंची, 4 इंची, 3 इंची, 2 इंची, 1.5 इंची आता है, लेकिन बहुत कम आता है 2 इंची, 1.5 इंची और 2.5 इंची। ये है रोडूसर टी। रोडूसर टी आपको 8 इंची, 6 इंची मिलेगा, 6 इंची, 4 इंची मिलेगा, 4 इंची, 3 इंची मिलेगा, ठीक है। ये आप लोग देखोगे ना तो दुकानदार आपको कभी भी मिसलीड नहीं कर पाएगा। प्लेन बैंड, नॉर्मल प्लेन बैंड होता है, पुश टाइप का भी बैंड होता है, वो इसी तरह का आता है। तो 8 इंची, 6 इंची, 4 इंची, 3 इंची, इसमें 2 इंची, 1.5 इंची, 1.25 इंची सारा मिलता है। तो ये है हाफ, इसको हाफ कट भी कहते हैं और 45 डिग्री बैंड भी कहते हैं। इसमें भी 6 इंची, 4 इंची, 3 इंची, 2 इंची आता है, हर जगह अवेलेबल रहता है, ठीक है। और ये है 4-way डोर टी, इसमें 3 इनलेट होते हैं, एक ही आउटलेट होता है। तो ये डोर टी होता है, ये आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो जहाँ पे दो साइड से आपके बाथरूम आते होंगे, एक कहीं दो साइड से बाथरूम होते हैं, बीच में लाइन आती है, तो वहाँ पे आप लोग ये इस्तेमाल कर सकते हो। और ये है पुश टाइप का 4T, प्लेन पुश टाइप 4T, ठीक है। तो 4-way टी इसमें आपको क्या है कि 4 इंची, 3 इंची, 2 इंची आराम से मिलता है आप लोगों को। ये भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। ये है डोर टी, नॉर्मल डोर टी जो होता है हमारा, इसमें 3 इंची, 4 इंची नेसेसरी किसी भी जगह प्लम्बर को लगना ही। ये रोडूसर डोर टी है, सॉरी डोर टी रोडूसर है। ये 3 इंची, 4 इंची इसमें आता है, 3 इंची, 4 इंची, यानी कि 2 इंची से 4 इंची, एक साइड से 3 इंची, ठीक है, याद रखना ये बातें। और ये है हाफ सेट, पुश टाइप का हाफ सेट, 6 इंची, 4 इंची, 3 इंची, 2 इंची और 1.5 इंची, ये सब आपको मिलेगा किसी भी दुकान पे, बड़े वाले दुकान पे, ठीक है। ये है साइड डोर टी, इसका डोर जो होता है ये साइड में लगता है, जैसे कि कहीं बिल्डिंग में हमारे 8-10 बाथरूम होता है, बीच में खिड़की होती है ना, तो खिड़की को बचाने के लिए हम लोगों को ये वाला टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपको पुश टाइप का भी आता है और नॉर्मल का भी आता है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये पुश टाइप है और ये देख लीजिएगा, ये है नॉर्मल इसी साइड वाला डोर टी का, ठीक है। इसको हम दीवार के साथ चिपका के इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोग कारीगर हो तो आप लोगों को खुद समझ आएगा, इसमें 3 इंची और 4 इंची ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, ठीक है। और उसके अलावा आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊंगा मैं डोर YT दूसरे, तो ये भी डोर YT है, पुश टाइप का भी, ठीक है। पुश टाइप में भी आता है ये, पुश टाइप का माने क्या है कि इसमें आपको सॉल्वेंट देना ही देना है और इसमें वॉशर नहीं होता है, जो नॉर्मल होता है इसमें वॉशर होता है, इसमें आप लोग मस्टर्ड ऑयल से भी काम चला सकते हो। ये है पुश टाइप डोर टी, ठीक है। इसमें 3 इंची और 4 इंची आपको मिलेगा, बहुत सारी जगहों पे, फॉरेन कंट्री की बात करूँ मैं तो वहाँ पे पुश टाइप का ही ज़्यादा काम चलता है, या एग्रीकल्चर काम अगर आप लोग करोगे कभी तो उसमें पुश टाइप का ही काम करना, उसमें वो वाला काम नहीं करना। ये है पुश टाइप बैंड, प्लेन बैंड, 6 इंची, 4 इंची, 3 इंची, 2 इंची, 1.5 इंची भी आता है, जो हम 40 mm की पाइप इस्तेमाल करते हैं ना बाथरूम में फ्लोर में, वो 1.5 इंची होता है, फिर हम गलती से उसको बोलते हैं कि 1.25 इंची, असल में अगर MM के हिसाब से होते देखेंगे ना तो वो 1.5 इंची बनता है, ठीक है।
ये है प्लेन डबल वाइटी। इन चीज़ों का आप लोगों का ध्यान रखना है, नाम रखना है याद, 3 इंची का आता है और 4 इंची का आता है, ठीक है। तो ये डबल वाइटी है, इसमें भी आप 3 इनलेट होता है इसका, एक ही आउटलेट होता है, ये आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हो। ये है रोडोसर पुश टाइप का। रोडोसर किस किस साइज़ का आता है, 6 इंची और 8 इंची, यानी कि 8 इंची एक साइड से, 6 इंची एक साइड से, 6 इंची, 4 इंची, 3 इंची और 4 इंची, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप लोगों को ध्यान रखना है। ये पुश टाइप का है और नॉर्मल देखो आप, ये है नॉर्मल रोडोसर। ये भी सेम साइज़ आता है, 8 इंची, 6 इंची, 6 इंची, 4 इंची, 4 इंची, 3 इंची। आप लोगों को कोशिश करना है, कोशिश करने से क्या कुछ नहीं होगा। और फिर आप दिखाऊंगा मैं आपको यहाँ पे एक फ्लोर ट्रैप। ये फ्लोर ट्रैप जो है ये आपको 4x4 का भी आता है, 4x3 का भी, 4 इंची, 3 इंची आता है, 4 इंची, 4 इंची आता है, पुश टाइप का भी आता है, नॉर्मल भी आता है, ठीक है। तो मैं आपको एक फ्लोर ट्रैप के बारे में पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि आपको समझ आया होगा बातों से। ये है एक्सप्लेनेशन टी, ठीक है। इसको क्या होता है कि कहीं पे हम लोग लंबा पाइप खींचते हैं, मैनहोल का मौका नहीं है तो ये लगा सकते हैं, या कहीं पे हमें टीडी पाइप, कहीं पे भी हम प्लम्बर को खुद आता है अंदाजा कि मैं यहाँ पे कब लगा सकता हूँ, कहाँ पे लगा सकता हूँ, मैं कहाँ पे एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत पड़ती है कभी। तो ये है पी ट्रैप। पी ट्रैप का आउटपुट जो होता है वो 4 इंची होता है, और जो इसका इनपुट साइड होता है वो 5 इंची होता है, ठीक है। इन चीज़ों का आपको नॉलेज होना चाहिए। इसकी हाइट जो होती है वो 10 इंची होती है। इन चीज़ों का आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो ये है मेन चीज़ मल्टीपल फ्लोर ट्रैप, इसमें मैंने लिखा भी है। तो यहाँ पे इसका इनपुट जो होता है वो 4 इंची और 2 इंची, 4 इंची यानी कि ऊपर वाला साइड 2 इंची होता है, साइड वाले 3 जो होते हैं, और इसका आउटपुट जो होता है वो सिर्फ 3 इंची आता है, ये 4 इंची में आता ही नहीं है। तो कभी गलती से भी वहाँ वाला वो कैप जो होता है वो नहीं खोलना कभी, गलती से खोलोगे तो परेशानी भी पड़ जाओगे, क्योंकि बाथरूम मुश्क करेगा। तो यहाँ पे आपको एंड कैप, SWR की एंड कैप है, ठीक है, 6 इंची, 4 इंची, 3 इंची, 2 इंची, 1.5 इंची, हर चीज़ का अवेलेबल होता है, लेकिन बड़े बड़े दुकान पे, नॉर्मल दुकान पे अवेलेबल नहीं होता है। ये है सिटील वाला क्लिप। इसमें SWR की अपनी PVC क्लिप भी आती है, सिटील वाला क्लिप भी आती है, हर साइज़ में अवेलेबल होता है। अगर आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगा तो आप लोग इसको ले सकते हो, दुकानदार को रिकमेंड कर सकते हो। मेरी वीडियो बनाने का मकसद यही होता है कि आप लोगों के अंदर नॉलेज बनेगा, तो दुकानदार को आप यहाँ से बोल सकते हो, नहीं जी आ रहा है। आजकल के दुकानदार उल्टा कहते हैं, उसके पास अगर नहीं होता है ना कोई चीज़ तो वो कहता है कि कंपनी बनाता ही नहीं है, ये नहीं कहते कि मेरे पास नहीं है। और ये है फिनोलेक्स का, ये फिनोलेक्स कोई ज़रूरी नहीं है कोई भी कंपनी का। इसमें सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्वेंट सीमेंट यहाँ पे लिखा है कि इसको कोई इशू नहीं है, सॉल्वेंट हम कहते हैं नॉर्मली। तो सॉल्वेंट आपको पता है कि हम कहाँ पे इस्तेमाल करता है, आराम से पाइप को, पुश टाइप की पाइप को लगनी लगनी है। तो उम्मीद है अगर आप नए हैं या मेरे वाले यूट्यूब चैनल पर नया वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोज़ को लाइक करो और शेयर करो, ताकि बाकी लोगों तक ये जानकारी पहुँच जाए।